अब अगर कोई भी स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके 95% या उससे ज़्यादा मार्क्स आएँ तो ये उसके लिए पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन यही है कि उसके जो लास्ट 3 ईयर्स में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके बेस्ट 3 एग्ज़ाम्स में उसके 95% या उससे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। अगर 95% या उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं किसी भी 3 एग्ज़ाम्स में जो उसने लास्ट 3 ईयर्स में दिए हैं तो ऑब्वियस है कि उसको 95% या उससे ज़्यादा मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। इसके लिए 16 से 22 डेट के लिए CBSE ने एक मॉडरेशन पोर्टल को ओपन किया है जिसपे CBSE के जितने भी एफिलिएटेड स्कूल हैं वो उस पोर्टल पे जाके जो मार्क्स हैं उस अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये मॉडरेशन पोर्टल ओपन क्यों किया गया, इसके पीछे का रीज़न समझो। इससे पहले जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा मिसरीड किया जा रहा था स्कूल की तरफ से, जैसे अगर 60 to 70 मार्क्स के बीच में किसी स्टूडेंट को मार्क्स देना है तो ज़्यादातर स्कूल क्या कर रहे थे कि 69 मार्क्स दे रहे थे, 68 दे रहे थे, 70 दे रहा था, मतलब 64, 62 की तरफ तो कोई नहीं जा रहा था। अगर किसी के 80 और 90 के बीच में मार्क्स देना है तो ज़्यादातर जो स्कूल थे वो 89 या 90 के आसपास मार्क्स दे रहा था, उसमें भी कोई भी 84, 83 मार्क्स नहीं दे रहा था। ये जैसे ही देखा CBSE ने तो उसको समझ में आ गया है ना कि जो कंडीशन है जिस तरह से मार्क्स दिए जा रहे हैं वो करेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। इसके लिए फिर यही मॉडरेशन विंडो को ओपन किया। मॉडरेशन विंडो से अगर लास्ट 3 ईयर्स में जो बेस्ट 3 एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के, यानी बेस्ट 3 एग्ज़ाम्स का मतलब उसके 95% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं किसी 3 एग्ज़ाम्स में लास्ट थ्री ईयर्स में, तो उसको 95% या उससे ज़्यादा मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ये कंडीशन 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। वैसे हर स्कूल चाहता है कि उसके बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ, क्योंकि हर स्कूल जो दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन होता है उससे आगे रहना चाहता है। इसके लिए अपने स्कूल के बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे स्कूल के थ्रू, तो बच्चे परेशान ना हो क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हर सब्जेक्ट में मिलेंगे। देखते हैं, वेट एंड वॉच, आगे क्या होता है।